नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में फैली कोरोना की दूसरी लहर ने सबको हैरान कर दिया है। कोरोना का ये स्ट्रेन इतना ताकतवर है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। भारत में ही इसके दूसरी लहर में इतने ज़्यादा केस सामने आए और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, जिसके बाद कई देशों ने इस वायरस की दूसरी लहर को भारतीय वेरिएंट शब्द दे दिया। भारत की मीडिया में भी इस शब्द का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है और सोशल मीडिया पर भी शब्द का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद अब सरकार ने इसे लेकर एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स को पत्र लिखकर कोरोना के नए B.1.617 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट नाम से संबंधित किए जाने पर आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है जिसमें इंडियन वेरिएंट शब्द का उल्लेख किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखे अपने खत में लिखा, हमारी जानकारी में आया है कि एक गलत स्टेटमेंट ऑनलाइन चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। WHO की तरफ से इस तरह के COVID-19 के कोई भी वेरिएंट का जिक्र नहीं किया गया। WHO ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में B.1.617 के लिए इंडियन वेरिएंट टर्म का उपयोग नहीं किया है। अब केंद्र सरकार ने सभी सोशल साइट्स को निर्देश दिया कि इंडियन वेरिएंट संबोधन के साथ डाली गई पोस्ट को हटाया जाए। बता दें कि 12 मई को ही केंद्र ने साफ कर दिया था कि कोरोना वायरस का कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है, क्योंकि जिस देश में पहली बार कोई वेरिएंट मिला हो WHO उस देश के नाम पर वेरिएंट का नामकरण नहीं करता। बता दें कि WHO B.1.617 को वैश्विक चिंता वाला वेरिएंट घोषित कर चुका है। इसके बाद कई रिपोर्टों में इसे इंडियन वेरिएंट लिखा जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अब सख्त चेतावनी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।